आज तो आर्या पार ज्यादा। आई लव मेलू। यादव। हाँ भाई। यहाँ आओ। संभाल। क्यों खाना खा लिया? हाँ खा पी लिया भाई। तो फिर नींद नहीं आ रही है क्या? भाई ऐसी बात नहीं है भाई, आप उनको आपसे कुछ कहना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए आप उन थोड़ा सा चढ़ा कर आ रहे हैं भाई। मुझसे बात करने के लिए पीकर आना पड़ता है क्या? ऐसी कौन सी बात भाई है? वो मैटर ही कुछ ऐसा है ना कि भाई आप उनके हाथ पांव कांप रहे ले भाई। हाथ पांव कांप रहे? आपके शादी की बात है भाई। अरे भाई देखो गुस्सा मत करना भाई और मेरे को मारना मत। आप उन तो आज बोल के रहेगा। हाँ भाई देखो भाई उठना मत, हाँ जरा डिस्टेंस रखना है भाई, अब डिस्टेंस। हाँ प्लीज भाई मेरी बात मानो, हम दोनों की उम्र बीत जाए उससे पहले शादी कर लो भाई। जब आपकी शादी होगी तब आप उनका नंबर आएगा भाई। दूसरों की बारात देखकर अपन को बहुत तकलीफ होती है भाई। सड़क पे चलने वाले लड़कियों से बचने के लिए अपन एकदम स्ट्रेट देख के चलता है भाई, लेकिन अपना गर्दन का कैमरा घूम ही जाता है। गर्दन घुमा लेता हूँ लेकिन नजर का क्या करूँ? अब आपको क्या बताऊँ, रात को नींद नहीं आती, रात भर करवटे बदलता हूँ, कितना सीडी डीवीडी की फिल्में देखूंगा। भाई अपन कुंवारा नहीं मरना चाहता, आप शादी कर लो ना भाई। देखो जाधव सुन, मेरी शादी तो इम्पॉसिबल है, तुम शादी कर लो। भाई बड़े भाई के होते छोटा शादी कर ले तो लोग क्या कहेंगे यार? लेकिन आपको इनकार क्यों है शादी से? हमारा हर काम सही है लेकिन कानून की नजर में गैर कानूनी है, तो लड़की को कैसे समझाएंगे? भाई जो लड़की इस बात को समझे उससे शादी कर लो। ठीक है लेकिन जो मुझे चैलेंज कर सके ऐसी लड़की होनी चाहिए। वाह भाई अगर अपनी पसंद तो बताए। थैंक्स भाई, उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो लड़की हाँ दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। मिल जाएगी। मुझे देखकर डरे नहीं। ये कैसे होगा? हिम्मत वाली होनी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली, चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। आंखों में आंखें डालकर डेरिंग से बात करने वाली, आपसे बात करते हुए चुटकी बजाने वाली। 25 साल से अपुन आपके साथ साए की तरह रहता है, कभी अपुन की हिम्मत नहीं हुई ऐसी बात करने की। भाई अपुन को क्या लगता है मालूम है? इस जन्म में तो अपनी शादी नहीं होने वाली। मिस्टर ब्रदर चलता हूँ, थैंक्स। लड़कियों की फोटो अपुन को देखने दो ना। फंक्शन कितने बजे का है? थोड़ा टाइम है भाई। यादव इनको फौरन पकड़ो। वो देखो सूर्या भाई। जाके पकड़ो उनको, इनको फौरन हॉस्पिटल ले चलो। आप लोग थोड़ा हट जाइए, हवा आने दीजिए। जल्दी हॉस्पिटल चलिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए। दूसरों की मदद करने वाली होनी चाहिए। भाई डाउन होकर डाउन हो रहे हो भाई। ये लड़की तो मदद करने वाली है। मैडम नमस्कार। मैडम शहर में नहीं है? जी हाँ समझ गया अपन।
ये है अपुन के भाई सूर्या भाई। सूर्या भाई हा? अब वो बिल्कुल ठीक है, सही वक्त पर लाकर अच्छा किया, चिंता मत कीजिए, यू कैन रिलैक्स। वेरी गुड, इट्स माय ड्यूटी। थैंक्स। थैंक्स मुझे क्यों थैंक्स बोल रहे हैं, आप तो भगवान की तरह पहुंचकर उनको बचा लिया, बस बाय। यही वो लड़के हैं सूर्या भाई। डॉक्टर क्या हुआ सर? इस लड़के का ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है सर, मैं देख लूंगा। व्हाट बॉयज, इसको उठाकर ले जाओ। ए जस्ट मैंने आपको भगवान का नेक्स्ट मोमेंट गुंडा बन गए, इसे खुद मारकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे, आप इंसान है कि क्या? ओए मैडम, आप उनके भाई के अंदर दो रूप छुपे। चुटकी बजाकर बात करते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए, अगर ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं शादी करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो भाई की आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करके दिखाओ। क्यों नहीं कर सकती मैं? हिम्मत है तो करके दिखाओ ना। ए तू भी निगारे। भाई जैसा आपने कहा था, मदद करने वाली है और आंखों में आंखें डालकर चुटकी बजाकर बात करने वाली। कहो तो बात चलाओ। Do you know why they called for emergency meeting? I don't know sir. Urgently call किया था। Any urgent matter? I don't know जी। क्या कोई नया intelligence report आया है? Let us see. Good morning. Sit down please. My dear friends. यह अर्जेंट मीटिंग इसलिए बुलाया है क्योंकि दिस इज फिरोज, यह है पाकिस्तान का माफिया डॉन। दुनिया में जितने माफिया डॉन हैं, उनका सुप्रीम, उसके ऊपर स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, मर्डर्स, हवाला, लैंड ग्रैबिंग्स जैसे बहुत सारे केसेस हैं। सिर्फ केसेस ही हैं, कोई सबूत नहीं है। अब उसकी नजर हमारे भारत देश पर है, वो यहां आने वाला है। ये हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है। अगर वो इंडिया में आया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, शांति भंग कर देगा। सर वो इतना पावरफुल है? हाँ बहुत पावरफुल है। जब कनाडा का डॉन उसके आड़े आया तो उसका क्या हाल हुआ वो भी आप लोग देख लीजिए। फिरोज का एक अलग ही स्टाइल है। पाकिस्तानी डॉन तुम्हारे कनाडा पर कब्जा करने के लिए आया हूँ। सिकंदर का खून, उसका जुनून मेरी रगों में है। दुनिया पर कब्जा करने के उसके अधूरे ख्वाब को मैं पूरा करूंगा, लेकिन मेरे रास्ते में तुम आ गए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इट्स ओके। चलो मौत का गेम खेलते हैं। तुम्हें गेम के रूल्स बता दूं। हम दोनों यहां पर फाइट करेंगे, दोनों में से जब जो गिरेगा उसका आदमी मारा जाएगा। मतलब अगर मैं गिरा तो मेरे दो आदमी मारे जाएंगे, और अगर तुम गिरे तो तुम्हारे दो आदमी। जिस ग्रुप का जितना आदमी बचेगा फाइनली वही ग्रुप जीत हासिल करेगा, और वो इस जगह का डॉन होगा, कनाडा का नया डॉन। तुम तो गहरी सोच में पड़ गए, डर गए क्या? ओ गुड। Girls, relax.
बदलने नहीं चाहिए। तुम हार गए, तुम्हारी बीवी अब मेरी हुई। गर्ल्स गेट हर। Now she's mine. Sorry. No! आज से फिरोज कनाडा का नया डॉन। नेक्स्ट भारत देश। वो किसी भी बात से नहीं डरता। ताकत हासिल करना उसका जुनून है। इंडिया पर कब्जा करने के लिए तगड़ी प्लानिंग की है उसने। उसका आदमी हमारे बीच में है, लेकिन कहां किस डिपार्टमेंट में है कुछ भी पता नहीं। वो सबसे पहले देश के VIPs, MLAs और मिनिस्टर्स पर पासा फेंकेगा। उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। अगर वो मान गए तो ठीक, नहीं तो उन्हें अपने रास्ते से हटा देगा। ऐसे में आम जनता डर जाएगी और वो देश को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन हम उसे ये मौका नहीं देंगे, और इसलिए इस केस को डील करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। और आप सब भी अलर्ट रहिएगा। कल फिर मिलेंगे। ओके बाय। थैंक यू सर।